हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आशीष पेटवाल। तो जैसे कि हम अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे फॉर ईओ एग्ज़ाम, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम आ रखा है, उसके हम प्रिपेयर कर रहे थे। उसका हम पॉलिटी सेक्शन कंप्लीट करना कर रहे थे। उसमें से अभी तक हमने इंट्रोडक्शन उसमें कर चुके हैं। अभी तक 4 क्लासेस हो चुकी है, ये 5th क्लास है। तो इसमें हम पढ़ेंगे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये कौन से संविधान के कौन से भाग या आर्टिकल, कौन से भाग या पार्ट में। तो कौन से भाग में है, तो ये हमारे कौन से भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में। और आर्टिकल हमारा 36 से लेकर 51 तक, 36 to 51 आर्टिकल में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात किया गया। दूसरा है बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने पढ़ा है, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि हमने कहाँ से लिया गया है। डीपीएसपी लिया है हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। किससे, देखो उससे पहले भी ना, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, तो उसमें भी उन्होंने ऐसे कुछ चीज़ें दी थी, ठीक है ना, सेम टू सेम नीति, पर ऐसा ही कुछ था कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चीज़ें मेंशन की गई थी। तो ये किससे रिजेम्बल करता है, ठीक है ना, ये रिजेम्बल किससे करता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक पार्ट, एक पार्ट था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वहाँ भी ऐसी कुछ चीज़ें फॉर द डेवलपमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी डाली, चीज़ें थी, ठीक है ना दादा। रिजेंबल विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर आर दे आर नॉन जस्टिकेबल इन नेचर, इससे क्या मतलब है, देखो जस्टिकेबल चीज़ें वो चीज़ें होती है जो लीगली बाइंडिंग होती है, जिसको अगर इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ दैट थिंग यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द कोर्ट, ठीक है ना। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है, लीगली बाइंडिंग है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये क्या है, नॉन जस्टिकेबल है, कि मतलब अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी अगर वॉयलेशन होता है, तो कोई भी व्यक्ति या संस्था क्या कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये क्या है, एक तरह से सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। ये उनको नीति, जब का ये है कि आप जब आप नीति बनाए, सरकार को ये सुझाव है कि तो जब आप नीति बनाओ तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखो, ठीक है ना। बट दे आर नॉट बाइंडिंग, आपको लीगली बाइंडिंग नहीं कर रखा है इनको, सिर्फ इनको वॉलंट्री, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो ना, मतलब आपको करनी चाहिए कोशिश। तो इसका मतलब दे आर नॉन जस्टिकेबल इन नेचर, कि मतलब ये इसके अगर वॉयलेशन होता है तो आप इसको कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है ना। फिर एम क्या है इसका, एम टू प्रमोट आइडल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो इसका जो एम है, मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इसमें बहुत सारे स्टेप्स, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स सरकार ने ले रखे हैं, मतलब दे रखे हैं, सरकार को सुझाव दिए गए हैं कि जिससे क्या हो, ये हमारी सामाजिक लोकतंत्र का बढ़ावा मिल सके, ठीक है ना, और आर्थिक उन्नति भी। जैसे कि भाई हमारा इसमें जैसे वेलफेयर ऑफ पीपल की बात की गई है, ठीक है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है, ठीक है ना, ताकि एक सोशलिज्म फैक्टर भी है इसमें, गांधीज्म भी है, सोशलिज्म भी है, ठीक है ना। तो अब जरा हम इसके बाद, ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि भैया फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, मूलभूत क्या अंतर है इनमें, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यहां पे लिख लेते हैं फंडामेंटल राइट और यहां पे लिखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, सबसे पहले पहला है ये है नेगेटिव इन नेचर, नेगेटिव इन नेचर। इससे क्या पता लगता है कि
कि ये क्या करती है, प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट्स, प्रोहिबिट्स ठीक है ना, गवर्नमेंट स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग, प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, देखो ये क्या करती है, सरकारों को बाध्य करती है कि ये चीजें आपको नहीं करनी, ठीक है ना, और क्या करना है आपको, ये चीजें करनी है, इस तरीके से करना है, ये चीजें नहीं, इसमें मेन ये है नेगेटिव नेचर है कि भैया आपको, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं रोक सकते, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं रोक सकते, आपको राइट टू इक्वालिटी मेंटेन करके रखनी है, आपको ये करके रखना है, ये सब नेगेटिव नेचर है, सरकार को बांध के रखती है कि आप, ठीक है ना, आप ये चीजें नहीं कर सकते कि भाई इस तरीके के काम नहीं करना आपको। ये क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव इन नेचर है, ठीक है ना, दे आर पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव। ये क्या करती है, ये गवर्नमेंट को बोलती कि आपको ये करना है, ठीक है ना, आपको ये चीजें फॉलो करनी है, ये बोलता है रिक्वायर स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स, रिक्वायर स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स, ये चीजें ये बताता है आपको कि करना क्या है, ठीक है ना, ये आपको पॉजिटिव नेचर है, ये बोलता है आपको कि ये चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, ये क्या है, जस्टिकेबल, ये है जस्टिकेबल नेचर, ठीक है, जस्टिकेबल, जस्टिकेबल, ठीक है ना, ये क्या है, जस्टिकेबल है, ये क्या है, ठीक है, मतलब ये क्या है, लीगली एनफोर्स्ड हो सकते, लीगली एनफोर्स होते हैं, ठीक है, जस्टिकेबल आप इतने से समझोगे कि जस्टिकेबल इन नेचर। ये क्या है, नॉन जस्टिकेबल, आप अगर इसका वॉयलेशन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है ना, इसका वॉयलेशन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसका एम क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मेंटेन करना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है ना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, देखो ना आपको, आपको राइट दे रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, एक्सप्रेशन, ठीक है ना, और आपको रिलीजन को, रिलीजन का राइट है आपको, आपको प्रोफेस कर सकते हो, ठीक है, आप इक्वालिटी का राइट है, तो ये आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, आपके अधिकारों की बातें करता है, ठीक है ना, कि भाई आप तभी एक एक हेल्दी डेमोक्रेसी में आप डेवलप हो सकोगे। ये क्या बात करता है, ये बात करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात, सोशल एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है ना, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। अब इसको क्या करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है, कोई स्पेशल लेजिस्लेशन, तो कोई स्पेशल कानून के, भाई अभी इसको आपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंटेन कर दिया तो यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो मैंने बताया ना आपको लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेशल कानून बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हमारा डिफरेंस हो गया दोनों का। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ चुके हैं, सम इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, वैसे तो आपको जितने आपको याद कर सकते हो बढ़िया है इसमें, पर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे जिनको आपको याद करना ही चाहिए, ठीक है ना, ऐसे आपको पता होना ही चाहिए बिल्कुल ही। जैसे कि इसको हम याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ कि आप ये कर सकते हो, एक एक शॉर्ट फॉर्म होता है, वी लाइक टू प्ले विद मोस्ट चीप PC, ठीक है ना, ये ऐसा लिख सकते हैं, वी लाइक, लाइक का L उठा लिया, लाइक, ठीक है ना, लाइक टू प्ले विद
है, विद मोस्ट मोस्ट चीप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वी क्या, डब्ल्यू क्या बोलता है, ये आर्टिकल 38 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका 35, 36, 36, 37 हमारा क्या, स्टेट की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। और उसके लिए तो वेलफेयर ऑफ पीपल पहला है, वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, ये है आर्टिकल नंबर 38। फिर क्या आता है, ये बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बोलता है 39। ठीक है, एल क्या बोलता है, ये बोलता है फ्री लीगल एड, 39A, फ्री लीगल एड, 39A। और 40 आ गया हमारा वहां, 40 क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। ठीक है ना, ऑफ पंचायत, ये हमारा आर्टिकल नंबर 40 है, 40। ठीक है, फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू बोलता है हमारा राइट टू वर्क। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 41 है, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क। ठीक है ना, कार्य का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 41 है। फिर एम, ये बोलता है मैटरनिटी लीव। आपको पता है 26 हफ्तों की छुट्टी मिलती है किसी मातृत्व अवकाश जिसको बोलते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को। तो ये हो गया हमारा मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी, ठीक है, मैटरनिटी लीव, ये हो गया हमारा मैटरनिटी लीव, होता है 42। नेक्स्ट सी है हमारा कॉटेज इंडस्ट्री से, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। ठीक है ना, जो छोटे छोटे उद्योग है हमारे उनको बढ़ावा देना। ठीक है, तो कॉटेज इंडस्ट्री को, कॉटेज इंडस्ट्री जो हमारी स्मॉल स्केल सेक्टर, इसको बढ़ावा देना, ये हमारा 43 है, आर्टिकल नंबर 43। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा पी और सी, दो रह गए हमारे, पी और सी, पी एंड सी। ये बोलता है पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज, पार्टिसिपेशंस, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज, ठीक है ना, जो वर्कर हो गया उनका भी क्या है, फैक्ट्री में क्या होता है, किसी इंडस्ट्री में क्या होता है, उनका भी एक स्टेक होल्डर होता है, तो उनके पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। तो ये 43A बोलता है, 43A। ठीक है, लास्ट हमारा ये इंपॉर्टेंट, इसी इसमें कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव, ये 43B है, 43B। नेक्स्ट तीन आर्टिकल और है जो इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे यूसीपी, यू यू, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला ना, UCP। यू बोलता है हमारा UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आर्टिकल नंबर 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड,
अभी बताता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है आपको। ये आर्टिकल नंबर 44 है। और सी आ गया हमारा चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर ये आर्टिकल नंबर 45 हो गया, ठीक है। और लास्ट हमारा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल कॉज एंड ट्रिबल ड्राइव, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल कास्ट सिविल ड्राइव, ये है आर्टिकल नंबर 46, ठीक है। तो पी हमारा 43A बोलता है पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन ए इंडस्ट्री, ठीक है ना, उनका भी स्टेक होल्डर होता है। 43B बोलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सहकारी समितिज होती है उनको हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। 44 हमारा पता है, 4 = 4 मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप क्या समझते हो, सिंपली देखिए, देखो हमारे देश में अगर कोई क्रिमिनल काम करता है, सपोज करो कि कोई क्राइम मर्डर हो गया, तो उसके लिए क्या है हमारे पास IPC है, उसको किस तरीके से रन करना है, उसके लिए CRPC है, वो कॉमन है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, उससे कोई लेना देना नहीं। UCC के बात करता है, वो बोलता है हमारी दिक्कत कहाँ पे आती है, वो बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब आपके जो आपके पर्सनल लॉ से रिलेटेड हो गए। भाई देखो मैरिज से होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, इनहेरिटेंस करना किसी को आपको अपनी प्रॉपर्टी, या एडॉप्शन करना, ठीक है ना, डाइवोर्स, ये सब क्या है, ये पर्सनल लॉ है। हमारे यहाँ देश में अभी भी सिर्फ पर्सनल लॉ कोडिफाइड है, हिंदूज के पर्सनल लॉ कोडिफाइड है, ठीक है, हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, बाकियों के नहीं, वो अपने तरीके से डील कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी आए, ताकि क्या हो, ज़्यादातर जो हमारे पर्सनल लॉ है वो वुमेन के अगेंस्ट ही बने हुए एक तरह से ना, उसमें भी उनके साथ बायस्ड होता है, वुमेन मैन बायस्ड है, तो वुमेन के साथ अन्याय होता है। तो हम चाहते हैं कि एक कोडिफाइड हो जाए सिस्टम, ठीक है ना। तो और फिर हमारा है 45, वो है चाइल्ड केयर के बारे में, ठीक है ना, चाइल्ड केयर को, अर्ली चाइल्ड केयर को कैसे हम बेटर किया जाए। और लास्ट हमारा 46 है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको पता होना चाहिए। अब जरा UCC की बात बहुत उठ रही है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड ने क्या कर रखा है, एक ड्राफ्ट कमिटी बना रखी है फॉर UCC, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, ये कमेटी का नाम है जस्टिस रंजन देसाई, जस्टिस रंजना देसाई, ठीक है, जस्टिस रंजना देसाई कमेटी, UCC उत्तराखंड, ठीक है ना। तो उत्तराखंड सरकार ने कब बैठाई थी ये? हम इसको सबसे पहले लिखते रहेंगे इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले चीज लिखो, ये बैठी थी हमारी 28 मई 2022, फॉर्म्ड ऑन 28 मई 2022, ठीक है ना। एम क्या है, ड्राफ्ट करना है इसका एम, एक ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, उसका UCC का ड्राफ्ट करके बना के देना है। अब इसमें मेंबर कौन है, पहले तो ये कितनी मेंबर कमेटी, ये 5 मेंबर कमेटी है, 5 मेंबर कमेटी है, ठीक है। उसमें से देखो सबसे पहले जस्टिस रंजना देसाई, ठीक है, ये क्या है हमारी, ये क्या है, ये इसकी चेयरपर्सन है, इस कमेटी की चेयरपर्सन है,
ठीक है ना, चेयरपर्सन। फिर हमारी दूसरी कौन है, दूसरे कौन है इसमें, दूसरे एक और जस्टिस है हमारे, जस्टिस प्रमोद कोहली। ये भी एक मेंबर है। एक मेंबर कौन है हमारे, वो है हमारे मनु गौड़। मनु गौड़ ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। एक मेंबर और है हमारे, वो है हमारे शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न शत्रुघ्न सिंह, ये क्या है हमारे, ये रिटायर्ड आईएएस है। एक और है हमारे, वो है सुलेखा डंगवाल। सुलेखा डंगवाल ये कौन है, ये हमारे दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है, ठीक है ना, वीसी है हमारी। तो पांच हो गए हमारे, जस्टिस रंजना देसाई, जस्टिस प्रमोद कोहली, मनु गौर, शत्रुघ्न सिंह एंड सुलेखा डंगवाल। पांच मेंबर कमेटी है जो ड्राफ्ट बना के देगी यूसीसी के लिए। और उत्तराखंड अगर ये लागू कर चुका तो ये देश में दूसरा राज्य होगा, ठीक है ना। वैसे पहला राज्य हमारा गोवा है, जिसके बाद जो यूसीसी के हिसाब से चलता है। बाकी हमारा सेकंड स्टेट होगा अगर ये लागू कर देगा। अभी तो ड्राफ्ट ही है, उसके जब ड्राफ्ट आएगा तब वो करेंगे, ठीक है ना, तब जाके बात बनेगी कि जब इसको कैबिनेट पे जाएगा, कैबिनेट से पास होगा तब जाके। तो ये चैप्टर हमारा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा, वो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। आपने मेरे वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।